मनीष भैया हमार हवे दिलदार, मनीष भैया हमार जी अब जबले बन के रहे, जी अब जबले बन के रहम चरण के चहेता, भसुर के बना द माई पटना में ने दुखियन पे लुटावेल प्यार, चाहे तू जइबो बॉम्बे दिल्ली हो ऐसन सेवक कहीं। माता जी से पूरा जनता कह रहा है कि माई हो ललनवा दे दा देसवा के करनवा। आज पहली बार करण भाई के मुंह से मैं एक गाना सुनूंगा टूटे फूटे अंदाज में, आप गाना गा। मनीष भाई के लिए कि तोहरा जैसन भाई कहाँ, तोहरा जैसन यारी कहाँ। भाई के लिए कि स्वागतम 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 आपका, आप वाए बड़ी उम्र है आपकी, आप वाए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी नाम मैंने लिया यार। बड़ा हीरा तो हमारे परिवार के और हमारे बिहारवासी को लौटा दिया, इसके लिए भगवान को भी चरणों में मेरा। नमस्कार, मैं अमित कुमार राय, अभी मैं मौजूद हूँ बेतिया रेलवे स्टेशन पे, और हमारे साथ सिंगर अरविंद लाल यादव जी हैं और मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप जी हैं। तो अभी बहुत बड़ा खबर है क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर जो NSA लगाया गया था, आज कोर्ट NSA को हटा दिया है, तो इसी पर चर्चा करेंगे। और इनसे आज मनीष कश्यप के आने पे, मनीष कश्यप के ऊपर NSA हटने पे इनके द्वारा कुछ गाना भी सुनेंगे, तो दोनों खबर भी आपको सुनाएंगे और गाना भी, साथ साथ गाना भी सुनाएंगे। तो सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है। स्वागत है आपका। करण जी कैसा फील हो रहा है अभी? आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इनसे जो भी सवाल कीजिएगा गाने के माध्यम से कीजिएगा। इनके गाने को सुनकर मेरी माँ, मेरी वाइफ और मैं खुद भावुक हो गए थे, और एक पल ऐसा भी गाना गाए थे कि वहाँ पे थोड़ा खुशी का माहौल भी था। दीपावली तो परसों मनाएगा पूरा हिंदुस्तान, लेकिन कहीं ना कहीं आपके परिवार में और जितने मनीष कश्यप को चाहने वाले हैं सबके लिए तो दीपावली आज से ही शुरू हो गई। जी, आज पावन पर्व था धनतेरस, और अच्छा दिन भी था, और भगवान ने लोग, बहुत सारे लोग सोने खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, हीरे खरीदते हैं आज के दिन, लेकिन भगवान ने सबसे बड़ा हीरा तो हमारे परिवार के और हमारे बिहारवासी को लौटा दिया, इसके लिए भगवान को भी चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और हमारे जो जज साहब हैं जिन्होंने मनीष कश्यप पे NSA को खारिज कर दिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए जब ये खबर आप सुने तो आपको कैसा लगा? बहुत खुशी का पल था, बहुत ज़्यादा खुशी का पल, बहुत ज़्यादा था ना। परिवार में भी, मम्मी भी सुनी होंगी तो उनको भी बहुत खुशी महसूस हुआ होगा। जी जी जी, बहुत बहुत। क्या कहेंगे मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं उनको? समर्थक मत बोलिए, मनीष कश्यप के भाई। मनीष कश्यप के भाई लोग को बस यही होगा कि 8 महीने का हमारा परिश्रम, हम सब का परिश्रम आज थोड़ा सा सार्थक महसूस हो रहा है। जैसे श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के जब आए थे तो पूरा देश दीपावली मनाया था, वैसे हमारे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप 8 महीने का वनवास काट के आए हैं तो भी दीपावली मनाया जाएगा। अब हमारे साथ अरविंद लाल यादव जी हैं। अरविंद लाल यादव जी, आप क्या कहिएगा? देखिए, इतनी खुशी हो रही है ये देख कर, ये सुनकर कि मैं बयां नहीं कर सकता हूँ कि शायद मैं उस दिन गाना गाया वो छठी मैया ने सुन लिया और आज ये वो खबर आ ही गया। लेकिन सबसे पहले एक स्वागत गान से मैं प्रस्तुत करूँगा कि स्वागतम 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 आपका, ये मनीष भाई के लिए है कि स्वागतम 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 आपका, आप वाए बड़ी उम्र है आपकी,
आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया उनका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, आपकी एक नज़र कर गई क्या असर, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, आपकी एक नज़र कर गई क्या असर, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। कहीं ना कहीं पूरा हिंदुस्तान आज खुशी मना रहा है क्योंकि सनप विहार मनीष कश्यप के ऊपर जो कलंक लगाया गया था सरकार, तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार के द्वारा, वो कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। हमारे पूर्वज भी कहते आते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, तो ऐसा ही मनीष कश्यप के साथ हुआ। मनीष कश्यप तो देशभक्त थे लेकिन उनको देशद्रोही बनाने का काम ये सरकार की थी, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है, सच्चाई सामने आई और कोर्ट को लगा कि मनीष कश्यप निर्दोष हैं और उनके ऊपर जो NSA लगा था उसको हटाने का काम किया गया। और क्या कहिएगा, एक गाना और याद आ गया, कहने का मतलब है करण भाई, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। एक और गाना याद आ गया, मतलबी दुनिया में बायसन प्रेम कहा, मनीष भाई के लिए, कि तोहरा जैसन भाई कहाँ, तोहरा जैसन यारी कहाँ, तोहरा जैसन भाई कहाँ, तोहरा जैसन यार कहाँ। लव यू। और मनीष भाई को भी मेरे तरफ से ये खुशी का पल है। आप देख सकते हैं छोटे भाई करण के मुखड़े पे अभी मैंने देखा 8 महीने से मुस्कान नहीं था, और करण भाई हमेशा सोचते थे, और ये अपना फीलिंग किससे कहें, क्योंकि घर का यही एक सदस्य जो वैसे सदस्य थे जिनको सब चीज़ देखना पड़ता था, मनीष कश्यप के लिए तमिलनाडु जाना, मनीष कश्यप के लिए दिल्ली जाना, मनीष कश्यप के लिए बेतियां रहना और मनीष कश्यप के लिए पटना जाना, लगातार इनका दौर जारी रहता था और ये हमेशा बिजी रहते थे। और आज पहली बार करण भाई के मुंह से मैं एक गाना सुनूंगा, टूटे फूटे अंदाज में आप गाना गाइए। गाना यही भाई वाला गाना गा दीजिए, जो गाना याद हो, जो बोलना चाहते हैं। रे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यारा ना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, मेरी जिंदगी सवाली मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरे यारी को मैंने तो खुदा माना, मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए, मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए, तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ये छूटेगा नहीं, ये साथ कभी छूटने वाला है नहीं, चाहे कोई भी सितम आ जाए। आज
आज से 2-3 रोज पहले मैंने आपका एक इंटरव्यू लिया था, उसमें आपने माँ के लिए गाना गाया था, तो कहीं ना कहीं माँ सुनी उस गाना को और माँ भावुक हो गई और इनका पूरा परिवार भावुक हो गया और इन लोगों ने खोजा आपको कि अरविंद लाल भाई से हमें मिलाइए। तो आज हमने सोचा कि आपका मुलाकात करण भाई से करा दें और करण भाई आज बहुत खुश हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक माँ के लिए भी आप गाना गाइए। उनके माता जी से पूरा जनता कह रहा है कि माई हो ललनवा देदा, बाबू हो सुगनवा देदा, देसवा के करनवा अपना, बहिनी हो बिरनवा देदा, माई हो ललनवा देदा, बाबू हो सुगनवा देदा, देसवा के करनवा अपने, बहिनी हो बिरनवा देदा, माई हो ललनवा देदा। इस गाने को गाता हूँ ना तो मुझे मेरे आँख से आंसू आ जाता है। ये गाना आज तो कहीं ना कहीं खुशी का आंसू भी निकल रहा होगा, क्योंकि बहुत खुश बड़ी खबर है हम लोग के लिए। हम लोग के लिए तो आज से ही दीपावली शुरू हो गई। वो मैंने गाना गाया था करण भाई के लिए कि पूरा परिवार, इनकी पत्नी कहती है। हाँ, वो भी गाना सुनाइए। हाँ, भावे वाला गाना सुनाइए। कि सैया जी के नौकरी दे दा, सैया जी के नौकरी दे दा, हमरा के बेटा अब भसुर के बना दो माई, पटना में नेता, भसुर के बना दो माई, पटना में नेता, अरे भसुर जी विधायक बनी है तो कोसी भरवाए, सैया जी के नौकरी होई कोसी भरवाए, भसुर जी विधायक बनी है प्रसादी बटवाए, जी अब जबले बन के रहे, जी अब जबले बन के रहम, चरण के चहेता भसुर के बना द माई, पटना में नेता, भसुर के बना द माई, पटना में नेता। तो ये बात कहीं ना कहीं सच हो जाएगी, क्योंकि मनीष कश्यप अब बाहर आएंगे और बाहर आएंगे तो वो अपना कैरियर फिर से पत्रकारिता में लगाएंगे या फिर से वो पॉलिटिक्स करेंगे, ये बात तो करण जी ही बताएंगे। क्या करेंगे मनीष कश्यप? जो भी करें एक सच्चा इंसान बन के रहे, चाहे हमारे परिवार के रूप में, परिवार में रह के या बिहार के सेवा करके, कुछ भी रहे सच्चा इंसान चाहिए। मुझे नेता या कुछ भी ये सब नहीं चाहिए, आंखों में आंसू आती है, चाहे वो धन मतलब से बिहार के साथ साथ हिंदुस्तान की जितने माए हैं सबके आंसू पोछने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, बस क्योंकि मैं देखा हूँ कि मेरी माँ की आंखों में बहुत आंसू आई है, शायद आंसू भी कहती होगी कि हाँ तेरी आंखों में इतनी आंसू क्यों आती, वो भी लज्जित हो जाती होगी जितनी मेरी माँ के आंखों में आंसू हुई है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि हाँ किसी और माँ के आंखों में आंसू आए। तो मेरा भाई है, मैं उतना समर्थ नहीं हूँ, चाहे मैं उतना प्रवक्ता नहीं हूँ, उतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ, या मैं उस पोजिशन पर नहीं हूँ, लेकिन मेरा भाई उस पोजिशन पर है, एक अच्छा उसका आवाज़ है और लोगों तक पहुँचने का उसकी ताकत है। तो मैं चाहूंगा कि हाँ जब आए जिस तरह तेरी माँ के आंखों में आंसू थी तो दूसरी माँ के आंखों में आंसू ना पाए। चलिए बहुत एक, अच्छा एक गाना मुझे याद आ गया। बोलिए कि मनीष भैया हमार हुए दिलदार, मनीष भैया हमार हुए दिलदार, दिन दुखियन पे लुटावेल प्यार, चाहे तू जइबो बॉम्बे दिल्ली हो, ऐसन सेवक कहीं ना मिली हो, ऐसन सेवक कहीं ना मिली हो।
ये गाना अभी मुझे याद आ गया। अच्छा, उनके अच्छा। लिए मनीष भाई के लिए अरविंद लाल यादव काफी खुश हैं और खुशी में ये बहुत अच्छा अच्छा गाना आपको सुनाने का काम कर रहे हैं और निरंतर ये गाना ये सुनाने का काम ही करते हैं। मनीष कश्यप के साथ इनका एक सफर था, कभी किसी गाँव में ये प्रोग्राम करने गए थे और मनीष जी प्रोग्राम पूरा आपका देखे थे। जब सुन लेते थे कि मेरा कार्यक्रम कहीं हो रहा है तो वो चले आते थे कार्यक्रम देखने के लिए और पूरी रात देखते थे। ऐसी नहीं है कि चले जाए, पूरी रात कार्यक्रम सुनते थे और अंत होता था तभी जाते थे। तो वो खैर, क्या कहेंगे आप मनीष कश्यप के लिए? आज तो पूरा हिंदुस्तान खुशी मना रहा है क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट गया है। अरे शेर है, बोले ना कि शेर है तो शेर ही रहेगा। कि हिंद का बच्चा बच्चा पुकारा, हिंद का बच्चा बच्चा पुकारा, है वतन जान से हमको प्यारा, जब तलक ये जमी आसमां है, जब तलक ये जमी आसमां है, लहरे गाया तिरंगा हमारा। आए शत्रु कोई तो लड़ेंगे, जाएंगे जंग में ना डरेंगे। आए शत्रु कोई तो लड़ेंगे, जाएंगे जंग में ना डरेंगे, देंगे कुर्बानियां हम हजारों, देंगे कुर्बानियां हम हजारों, देना कश्मीर नहीं है गवारा, हिंद का बच्चा बच्चा पुकारा, मनीष भाई है सेवक हमारा। चलिए बहुत खूब बहुत खूब। और आपको मैं बता दूं कि मनीष कश्यप जी के ऊपर से एनएसए को हटा दिया गया है और मनीष कश्यप बहुत जल्द हम लोग के बीच में आएंगे। और ये थे हमारे साथ अरविंद लाल यादव जी और करण भाई थे, मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप जी। तो करण भाई भी आज बहुत खुश हैं और मन में ही गाना गुनगुना रहे हैं और कुछ कहना चाहते हैं। एक वीडियो बहुत जल्द आएगा हमारे सन ऑफ बिहार पे, मनीष का सन ऑफ बिहार पे, और जो भी कॉस्टिंग होगी हम लोग उठाएंगे और इनके साथ मनीष कश्यप और मेरी माँ रहेंगे और जो वीडियो बनेगा उस सबके अकॉर्डिंग बनेगा। और एक तैयार कीजिए, एक बड़े लेवल पे एक वीडियो हम लोग लॉन्च करेंगे, जो भी कॉस्टिंग होगी हमारा परिवार उठाएगा। बहुत बहुत खुशी हुई आज कि हम सभी भाई मिले और इतनी खुशी है और ये खुशियाँ को बयां नहीं कर सकता हूँ अपने शब्दों में। बस इतना ही कह सकता हूँ कि दूर होने से रिश्ता कम नहीं होता, प्यार में दरारें आती है पर प्यार कम नहीं होता, कभी कभी आंखें नम हो जाती है ए मनीष भाई, पर आपके यादों का आना कम नहीं होता। चलिए बहुत खूब। प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।